राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मझीण में चल रही ज्वालामुखी जोन की अंडर 19 लड़कियों की खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया है। 3 दिन चले इस टूर्नामेंट में 33 विद्यालयों के 315 खिलाड़ियों ने जौहर दिखाया। इस प्रतियोगिता के आज फाइनल मुकाबले खेले गए। कबड्डी में सियालसर स्कूल ने मझीण स्कूल को हराकर खिताब अपने नाम किया। वॉलीबॉल में टिहरी स्कूल ने सियालसर को हराकर जीत हासिल की। खो खो में लगड़ू ने खिताब पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की। बैडमिंटन में सीहोर पाई स्कूल भड़ोली कोहाला को पराजित कर विजेता रहा। मार्च पास्ट में अनुशासन व एकजुटता का परिचय देते हुए मझीण स्कूल ने ये खिताब अपने नाम किया। पूर्व जिला परिषद सदस्य विजेंद्र कुमार ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने सभी विजेता व उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। साथ ही उन्होंने इस खेलकूद प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए पूरे विद्यालय टीम को बधाई दी। इस मौके पर मझीण स्कूल के प्रधानाचार्य संजय धीमान, एसएमसी अध्यक्ष कुलदीप कुमार, श्यालगढ़ ग्राम पंचायत के उप प्रधान राम गोपाल, बीडीसी सदस्य रवि, ग्राम पंचायत मझीण के प्रधान प्रेमलता, उप प्रधान जसवीर भी मौजूद रहे। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज के साथ।